हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ गुरलीन कौर। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में। आपको काफ़ी सारे वेल नोन बायोसिस्टम्स के बारे में पता होगा, जैसे कि ह्यूमन सर्कुलेटोरी सिस्टम, रेस्पिरेटोरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उन्हीं बायोसिस्टम में से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम आपका एक्सक्रीटोरी सिस्टम भी है। उस एक्सक्रीटोरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो एक्सक्रीटोरी सिस्टम कैसे आपकी बॉडी में हेल्प करता है, आज के लेक्चर में आप लोग जानोगे। बॉडी को सर्वाइवल के लिए बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। उन्हीं ऑब्स्टेकल्स में से दो ऑब्स्टेकल्स ये भी हैं कि बॉडी को ऑस्मोटिक रेगुलेशन मेंटेन करनी पड़ती है और दूसरा बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। अब जब ऑस्मोटिक रेगुलेशन होती है तब आप वाटर एंड सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हो, और जब आप मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करते हो तब आप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया को बॉडी में से इलिमिनेट करते हो। तो अब अगर यही प्रोसेसेस आपकी बॉडी में नहीं होंगी तो क्या होगा? अगर ये प्रोसेसेस आपकी बॉडी में नहीं होंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी? आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और आपकी डेथ हो सकती है। तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्हीं दो ऑब्स्टेकल्स को एड्रेस करता है। आपकी बॉडी में वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बॉडी का रेस्पिरेटोरी सिस्टम आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटोरी सिस्टम आपको कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो वैसे ही आपका जो लिवर है वो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब यूरिया को बॉडी में से एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करता है, जो कि पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। बट आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में। जो आपका एक्सक्रीटोरी सिस्टम है उसमें आप बात करोगे काफ़ी सारे ऑर्गन्स की। पहले बात करते हैं कि जो आपका एक्सक्रीटोरी सिस्टम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपका एक्सक्रीटोरी सिस्टम आपके लोअर एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका एक्सक्रीटोरी सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बेसिकली हम चार पार्ट्स देखते हैं। पहले हम बात करेंगे किडनीज़ की, फिर हम बात करेंगे उनसे रिलेटेड आपके यूरेटर्स की। यूरेटर्स जो हैं वो आगे ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वही यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा, जिसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी में से एलिमिनेट होता है। तो यही चार पार्ट्स जो हैं वो आपका एक्सक्रीटोरी सिस्टम बनाते हैं। तो अगर आपने इस सिस्टम के फंक्शंस को डिटेल में समझना है तो आपको इस सिस्टम में मौजूद किडनीज़ के सेल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो किडनीज़ के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं वो कौन है? नेफ्रॉन। तो वही नेफ्रॉन्स क्या हैं? वो आपकी किडनी के सेल्स हैं जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। आपका जो हार्ट है वो डेली बेसिस पर 1 लीटर पर मिनट ब्लड को पंप करता है आपके किडनीज़ में। वाई सो? फिल्ट्रेशन के लिए। अब जब आपकी बॉडी में से, हार्ट में से ब्लड किडनी में एंटर होता है तो वो क्या करता है, वहाँ पर फिल्टर होगा और फिल्ट्रेशन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या किया जाएगा, बॉडी में से रिलीज़ किया जाएगा। बट जो आपका मटेरियल आपको स्टिल रिक्वायर्ड है उसको वहाँ पर फिर से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। आपको पता है आपकी किडनीज़ पर डे 200 क्वार्ट्स ऑफ फ्लूड फिल्टर करती हैं, और वही फ्लूड जो फिल्टर होता है वो एक फुल साइज बाथटब को फिल करने के एबल हो सकता है। अब आगे हमें पढ़ना है किडनी का स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जो किडनीज़ हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है नेफ्रॉन। आपकी किडनीज़ में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किडनीज़ का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उनमें आपको कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दिखाई देगा। अब जो किडनीज़ हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी सारे नेफ्रॉन दिखाई देंगे। अब वही जो नेफ्रॉन्स हैं अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें आपको देखने को मिलेगा वोमेंस कैप्सूल, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, और वही वोमेन जो आगे है वो कंटिन्यू करता है आपके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब वही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको आप PCT और DCT भी बोल सकते हो। फिर वही जो आपकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आगे कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होती है। किडनी के अंदर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो जो नेफ्रॉन है वो आपको आधा कॉर्टेक्स वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है और आधा आपको मेडुला वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है विद इन सेकेंड्स हम जानेंगे।
नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन के टाइम पर चार मैकेनिज्म्स फॉलो करता है, वो क्या है? फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। अब जो यही चार मैकेनिज्म्स हैं वो नेफ्रॉन के अंदर कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जिसमें आप वोमन कैप्सूल देख पा रहे हो, जिसके अंदर आप ग्लोमेरुलस देख पा रहे हो। अब वहाँ पर आपको दो तरह की एट्रियोल्स दिखाई दे रही हैं, एक है आपकी एफरेंट एट्रियोल, दूसरी है आपकी इफरेंट एट्रियोल। जो एफरेंट एट्रियोल है वो बॉडी में से ब्लड को किडनीज में लेकर के आती है और नेफ्रॉन में एंटर करवाती है फिल्ट्रेशन के लिए। जो ब्लड एंटर हुआ है नेफ्रॉन में, उसमें जो वेस्ट प्रेजेंट है उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, पोटेशियम आयन्स, बाइकार्बोनेट आयन्स, एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि यूरिया। तो अब इन चीज़ों को बॉडी में से जब एलिमिनेट करना है, तब वहाँ पर नेफ्रॉन जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। वो कैसे करेगा देखते हैं। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें आपको वोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है। जो ब्लड एफरेंट एट्रियोल के थ्रू आपके वोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में एंटर हुआ है, तो वहाँ पर उसकी होगी अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन के बाद जो वेस्ट वहाँ से बॉडी में से एलिमिनेट होना है, उस वेस्ट को हम बोलते हैं फिल्टरेट। अब वही फिल्टरेट को आगे जो है रीअब्सॉर्ब किया जाता है आपकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की हेल्प से। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो नेफ्रॉन है उसने अपनी फिल्टरेशन तो कर दी है, अब उसने वो जो सेकेंड प्रोसेस है रीअब्सॉर्प्शन, उसको शुरू करना है। अब जब ब्लड में से जो फिल्टरेट आया है, जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल है, वो फिल्टरेट आपका कौन कलेक्ट कर रहा है? आगे आपके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो वही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आपकी बिल्कुल वोमन कैप्सूल के साथ प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 50-60% ऑफ द वेस्ट जो है उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करेगी। अब वहाँ पर जो वेस्ट आया था उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट था, उसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे, उसमें बाइकार्बोनेट आयन्स प्रेजेंट थे, उसमें एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट थे, जिनको हम इतनी आसानी से वेस्ट की फॉर्म में तो बॉडी में से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जो ग्लूकोज है वो आपने कितना हार्डली अर्न किया था और जो प्रोटीन्स हैं तो उनको आपने कितनी मुश्किल से बनाया था। तो आप ऐसे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स को तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इसीलिए आपने क्या करी, रीअब्सॉर्प्शन करी। अब जो PCT है वहाँ पर जो रीअब्सॉर्प्शन हुई, तो उसके बाद सेक्रीशन भी होगी। तो वो सेक्रेशन कहाँ पर होगी और क्यों होगी? जो वहाँ पर NaCl आपने वेस्ट की फॉर्म में एंटर करवाया था, उस NaCl को क्या किया जाएगा, आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दोबारा से सिक्रीट किया जाएगा, और जो वाटर है उसको भी वहाँ से एलिमिनेट करवाया जाएगा। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो दोबारा से आपके NaCl एंड आपके बाइकार्बोनेट आयन्स को या एच पॉजिटिव आयन्स को दोबारा फिर से ब्लड सर्कुलेशन में पोर कर देगा। अब अगर आपने बाइकार्बोनेट आयन्स एंड एच पॉजिटिव आयन्स की रीअब्सॉर्प्शन की है, तो वो क्यों की है? वो आपने इसलिए की है क्योंकि आपने अपनी बॉडी में ब्लड के पीएच को मेंटेन करना है। तो यही दो आयन्स जो हैं वो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमें क्लियर होता है कि कैसे आपका एक्सक्रेटोरी सिस्टम जो है वो आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो मतलब आपकी बॉडी में जो है ऑस्मोटिक रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। मतलब आपकी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें आपके सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेंटेन करता है। तो सॉल्ट एज अ सॉल्यूट वहाँ पर एक्ट करते हैं, तो वाटर वहाँ पर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक रेगुलेशन जो है वो मेंटेन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है या आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाला हिस्सा है, वो आपका जब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, तब वहाँ पर हमने देखा कि NaCl की सेक्रेशन होती है। अगर वहाँ पर NaCl की सेक्रेशन होगी तो वो एरिया जो होगा वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा। मतलब आपका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो सॉल्टी नेचर है, मतलब वो एरिया जो है वो हाइपरटॉनिक है। तब वहाँ पर जो है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। डिसेंडिंग लूप में से आपके वाटर की सेक्रेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की सेक्रेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है एक्वापोरिन्स।
फिर आगे आप देख पा रहे हो लूप ऑफ हैनले। जो लूप ऑफ हैनले है वो आपकी बॉडी में से NaCl एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। लूप ऑफ हैनले से आगे आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो जिसको असेंडिंग लूप बोला जा रहा है। अब यही असेंडिंग लूप में से वाटर की सेक्रेशन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्वापोरेंस प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर से सिर्फ आपके NaCl की सेक्रेशन होती है। ब्लड असेंडिंग लूप में से आगे एंटर होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी पोटेशियम की, वाटर की एंड अमोनिया की, एंड वहाँ से सेक्रीशन होगी बाइकार्बोनेट आयंस की एंड एच पॉजिटिव आयंस की। यहाँ पर भी ब्लड की पीएच को कंट्रोल किया जा रहा है। अब डीसीटी में से कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट एंटर होगा, जहाँ पर उसमें से यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, मतलब अमोनिया को कॉन्सेंट्रेट करा जाएगा, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl को सेक्रीट करेंगी। आगे यही कलेक्टिंग डक्ट्स यूरेटर्स के साथ अटैच्ड हैं, और फिर यही कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो यूरिन को यूरेटर्स में पोर कर देंगी, और यूरेटर्स में से यही यूरिन जो है वो एंटर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जिधर उसकी टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोरेज होगी। तो यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है, उसमें से बॉडी में से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होती है। फिल्टरेशन की प्रोसेस के बाद जो ब्लड अब प्योर है उसको आप क्या करते हो, दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में भेजते हो। किसकी हेल्प से? एफरेंट एट्रियोल की हेल्प से। अब नेफ्रॉन के अराउंड जब यही ब्लड कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, ब्लड को, जो आपका फिल्टर्ड ब्लड है उसको दोबारा से कलेक्ट कर रही हैं, और फिर वहाँ से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो क्या करती है, फिल्टर्ड ब्लड को कलेक्ट करती है और फिर से आपकी बॉडी में उसको भेज देती है। तो ऐसे आपकी बॉडी में फिल्टरेशन की प्रोसेस जो है होती है, तो ऐसे आपकी बॉडी में किडनीज के अंदर नेफ्रॉन की हेल्प से ब्लड की फिल्टरेशन होती है। आई होप अब आप सबको इस टॉपिक की क्लैरिटी है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।